नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मोदी का पाकिस्तान को सबक। पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों की शहादत का बदला आखिरकार पीएम मोदी ने ले ही लिया। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना और मोदी ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 21 मिनट की इस कार्रवाई में मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने पाक की सीमा में हमला किया और इस हमले में बालाकोट में जैश का सबसे बड़ा आतंकी कैंप तबाह कर दिया गया। इसके बाद लगभग 300 आतंकियों के मारे जाने की आशंका है। देश के इस बड़ी सफलता के बाद लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कैसे हुई ये सर्जिकल स्ट्राइक, करेंगे इस बात को लेकर चर्चा भी और दर्शकों की राय भी जानेंगे, उनकी भी राय साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दिन 14 फरवरी, जगह पुलवामा, जहां आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे देश के लोगों को पीएम मोदी और वायुसेना ने बड़ा तोहफा दिया। दरअसल भारत ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के अंदर हवाई हमले कर कई आतंकी शिविरों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में 300 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की आशंका है। इसे भारत की दूसरी सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। बता दें कि भारतीय वायुसेना का ये ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट का था। इस 21 मिनट में भारतीय 12 मिराज फाइटर ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। सूत्रों की माने तो बालाकोट और मुफराबाद सेक्टर में यह हमला किया गया। भारतीय वायुसेना की तरफ से 1000 किलो बम का इस्तेमाल किया गया है। पीएम मोदी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। भारतीय वायुसेना की इस बड़ी कार्रवाई के बाद वाकई ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को एक सबक है। और जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद लगातार ये एक रोष देखने को मिल रहा था और लगातार आम जनता की ये मांग उठ रही थी कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, कहीं ना कहीं ये तमाम मांगे जो उठ रही थी और एक नाराजगी देश में देखने को मिल रही थी, एक गुस्सा देखने को मिल रहा था, अब ये जो कार्रवाई हुई है भारतीय वायुसेना की तरफ से, इसके बाद एक खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। एक दर्शक हमारे साथ संगम जी जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राय जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। राय जी, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं अगर आवाज आप तक पहुंच पा रही है। चलिए, संपर्क टूट गया है और हम इस बात को लेकर चर्चा भी करेंगे, दर्शकों की राय भी जानेंगे। हमारे साथ कानपुर स्टूडियो से रक्षा मामलों की जानकार विशाल शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कर्नल बीएस राठौर जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं कानपुर से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही कर्नल डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और दर्शकों की राय भी बेहद ही अहम है इस मसले को लेकर, क्योंकि लगातार आम जनता का रोष पुलवामा हमले के बाद 40 जवान जिस तरीके से शहीद हुए थे उसको लेकर लगातार ये मांग उठ रही थी कि कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। विशाल शर्मा जी, आपके पास आएंगे, जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई है भारतीय वायुसेना की तरफ से, तो ये कदम कितना सराहनीय है? पहली बात तो इस ऐतिहासिक कदम का देश के मोराल पर बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि भारत का जो आम जनमानस है, भारत सेना है, भारतीय सेना के जवान हैं, उनका मोराल काफी बूस्टअप हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे निर्दोष जवान मारे गए वो युद्ध क्षेत्र में नहीं मारे गए, वो शांति काल में उनका ट्रांजिट हो रहा था एक कैंप से दूसरे कैंप की तरफ।
कब तक हमारे देश के जवान मारे जाएंगे, कब तक हमारे देश की निर्दोष जनता आतंकवाद से ग्रसित होकर मारी जाएगी, इसका जिम्मेदार जो स्टेट है वो है पाकिस्तान, वहां की आईएसआई और वहां के पाकिस्तान के आईएसआई और सेना द्वारा पोषित अलगाववादी लोग, आतंकवादी लोग। हमारे देश के निर्दोष लोग मारे जाते रहे हैं पहले से लेकर आज तक। इस विषय में और भी सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। कारण इसका क्या है, जो पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको पाकिस्तान कहता है कि उसके प्रभाव क्षेत्र का है, भारत की संसद के द्वारा कई बार ये कहा जा चुका है, प्रस्ताव पारित किया जा चुका, संकल्प है पूरे भारत देश का कि ये पूरा क्षेत्र भारत का, अखंड भारत का, एक राज्य का एक हिस्सा है। ऐसी स्थिति के अंदर जब तक हम इस्लामाबाद के ऊपर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, वहां के सैनिक अधिकारियों पर जिम्मेदारी फिक्स नहीं करेंगे, मतलब हमारी सेना जब मारी गई, हमारे सेना के जवानों को खून बहाया, जब तक वहां की सेना को हम प्रॉपरली डैमेज नहीं करेंगे, जब तक वहां की सेना ब्लीड नहीं करेगी, तब तक इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से नहीं हो पाएगा। आज का यह कदम उस दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है जिसका मैं दिली तौर पर स्वागत करता हूं। देश का मोराल बूस्टअप हुआ है, सेना का मोराल बूस्टअप हुआ, पूरा देश आज भारतीय सेना के ऊपर गर्व महसूस कर रहा, पूरा देश भारत की सेना के साथ खड़ा हुआ। बिल्कुल, और एक उम्मीद भी आम जनता में ये जगी है कि हाँ, मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और भारतीय सेना में इतना दमखम है, वो पूरी तरीके से सक्षम है जो आतंकवादी गतिविधि को नष्ट करने में पूरी तरीके से सक्षम है। ये भी एक मैसेज कहीं ना कहीं कन्वे होता नजर आ रहा है और दर्शकों की राय इस मसले को लेकर काफी अहम हो जाती है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। डॉक्टर जाहिद सिद्दीकी जी लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आएंगे, पहली प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले गोंडा से एक दर्शक विक्की जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए। विक्की जी अपनी बात रखिए। मैम, मुझे बहुत खुशी हुई कि मोदी जी ने इस तरह का काम किया है, देश को बहुत गर्व की बात है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में है, इस तरह से सोच है और बहुत अच्छा उन्होंने इस तरह काम किया है। चलिए, सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ज्यादा इस चर्चा को डीपली इस चर्चा में जाने से बेहतर अगर आम दर्शकों के नजरिए से, उनकी सोच के नजरिए से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे तो बेहतर रहेगा। वीके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ स्टूडियो से। वीके दुबे जी आपके पास आएंगे, जिस तरीके से भारतीय वायुसेना का दमखम देखने को मिला 21 मिनट में, जिस तरीके से ये हमला किया गया, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मेरी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यह है कि जो कदम आज उठाया गया है ये तुरंत उठाया जाना चाहिए था। वैसे ये कहा जाता है कि हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस फोर्सेज प्योर प्रोफेशनल आर्मी है, इसलिए इनको समय के और अपनी प्लानिंग बनाने के लिए कुछ समय चाहिए था, जिसके लिए इन्होंने ग्राउंड वर्क किया और करके इन्होंने एक इसको कैलकुलेटेड ढंग से जो अटैक डाला है, इससे हमारे देश का मान और सम्मान देश में भी बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी बढ़ा है। मैं चाहूंगा कि इस तरह की और कार्रवाई करके पीओके जो हमारे लिए एक हेडक बना हुआ है, इसको तुरंत अपने भारत में मिला लिया जाए, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा है और यहीं से छुप करके वहां के लोग जो है कार्रवाई करते हैं, खास करके आतंकवादी जिनका अड्डा वहां पर बना हुआ है। मैं ये चाहूंगा कि देश की पूरी जनता सरकार का साथ दे करके और इस तरह से इसको सबल बनाए कि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है एक बार के लिए अलग हो जाए, जिस तरह से बांग्लादेश अलग हो गया था, वहां पर अभी 1971 के बाद शांति है, यहां पर भी शांति बनी रहेगी और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं पैदा होगा। बिल्कुल, कर्नल बीएस राठौर जी आपके पास आएंगे। वाकई इसे एक पहला कदम और सराहनीय कदम के तौर पर इसका स्वागत किया जाना चाहिए। जैसा कि अगर हम दर्शकों के नजरिए से या आम जनता के नजरिए से बात करें, उनके सोच के अकॉर्डिंग अगर बात करें, तो वाकई जो एक गुस्सा था पुलवामा हमले के बाद और आज जो तस्वीर सामने आ रही है, जो ये कदम उठाया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से 21 मिनट में जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी कैंप थे उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया, इसके बाद वाकई एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और इसे काफी सराहा जा रहा है, इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया। मेरी यही प्रतिक्रिया है कि भारत आज बहुत खुश है, यहाँ की पब्लिक बड़ी खुश है और भारतीय वायुसेना ने बहुत अच्छा काम किया है और ये आगे भी चलते रहेंगे इस तरह के कार्यक्रम। और अभी किसी ने लखनऊ से बताया कि ये जो पीओके है उसको अपने हिस्से जो है उसको ले लेना चाहिए, तो ये बहुत जरूरी कदम है और मेरी सोच है कि भारत सरकार
इस ओर भी कुछ कुछ ठोस कदम उठाएगी और आगे जो बिल्कुल आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी इसके लिए भी रणनीति बाकायदा तैयार की जा रही है। बैठकों का दौर भी जारी हो गया है इस वायुसेना के इस कार्रवाई के बाद से। दर्शक एक गोंडा से हमारे साथ सारिक जी जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय जान लेते हैं। सारिक स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। बहुत बहुत मोदी अच्छा काम किया है और मोदी को बहुत पहले करना चाहिए और चले चले शुक्रिया सारिक अपनी बात रखने के लिए। वाकई सराहनीय और एक पहला कदम इसे कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से ये वायुसेना के जो धमाके किए गए, वायुसेना की तरफ से जो पूरा एक एयर स्ट्राइक की गई और 200 से 300 तक का आतंकवादी मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है, विशाल जी आपके पास आएंगे, इससे और कितना अब सतर्क रहने की जरूरत है? जाहिर सी बात है ये एक पहला कदम है, तो जाहिर सी बात है और जिम्मेदारी बढ़ जाती है और रणनीति तैयार करने की जरूरत है आगे की दिशा में। देखिए अभी जहां तक मेरे पास जो अपडेट आए इस तरह के, जो पाकिस्तान की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसके अंदर शेम शेम के नारे लगे हैं वहां की सरकार को लेकर के, और वहां पे जो पूर्व विदेश मंत्री हिना रबानी जी हैं उन्होंने काफी कड़े शब्दों में उसकी निंदा करी है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर रहा है और इमरान खान को वहां पर सदन के अंदर आना चाहिए और अपनी जवाबदेही बतानी चाहिए कि क्या करा क्या नहीं करा किस तरह करा। तो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी है, तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है यहाँ पर कि जैसे भारत का पूरा जो विपक्ष है और भारत सरकार है, सब राजनीतिक दलों ने पार्टी लाइन सेट करके देश की एकता संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत सरकार के साथ सब खड़े हुए और साथ में भारतीय सेना के साथ खड़े हुए, पूरे देश के अंदर एकता नजर आई। इस चीज का विखंडन पाकिस्तान की संसद के अंदर मुझे नजर आया कि वहां पर वहां का जो विपक्ष है, वहां का जो सत्ता पक्ष है, उसके अंदर मतभेद खुल के उभर के आए और यही सबसे बड़ी ताकत है भारत के लोकतंत्र की कि भारत में ऐसे आपातकाल के समय पूरा देश एक होता है, संसद एक होती है और सब सेना के साथ खड़े होते हैं। तो पाकिस्तान के साथ लोकतंत्र भी वहां पर नहीं है। विशाल जी आपके पास लौटेंगे। दर्शक ललिता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है चेन्नई से। एक दर्शक स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, ललिता जी अपनी बात रखिए। हम वायुसेना का सैल्यूट करते हैं जी, हम गर्व और नाच महसूस करते हैं जी। शुक्रिया ललिता जी कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। वाकई गर्व महसूस भी करना चाहिए क्योंकि जवान जब सरहद पर कहीं न कहीं स्टैंड बाय पोजीशन पर होता है तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं और देश सुरक्षित महसूस कर पाता है अपने आप को, क्योंकि वो कहीं न कहीं सरहद में जाग रहे होते हैं, अपनी नींद हराम करते हैं देश की सुरक्षा के लिए। तो गर्व महसूस करने वाली बात वाकई हो जाती है। लगातार दर्शकों की राय को लेकर काफी अहम हो जाती है, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। विशाल जी आपके पास आएंगे, अपनी बात पूरी कर सकते हैं। तो मेरा अपना कहना है कि भारत एक दुनिया का मजबूत लोकतांत्रिक देश है, यहाँ के सेना प्रोफेशनल आर्मी है, यहाँ पर रेगुलर आर्मी है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है बेसिकली, बाकी देशों के पास मैं अक्सर कहता हूँ उनके पास सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान सेना के पास एक देश है, वहां पे जो ISI है और जो सेना वहां की है वो वहां के लोकतंत्र को चलाती है। तो हमारे साथ समस्या खड़ी होती है कि हम बात करें तो करें किससे। भारत के अंदर जितना भी सिस्टम है वो एक रूल ऑफ लॉ में गवर्न होता है। अब समस्या ये है कि ये कहावत है शठम शाठ्यम समाचारेत, जो जिस भाषा को समझता है उस भाषा को ही उसमें उत्तर देना चाहिए। पाकिस्तान के साथ जब तक आप इस्लामाबाद को आप कस करके सैन्य बल के साथ उसका निस्तारण नहीं करेंगे, वहां के जो ISI के चीफ को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, जब तक आप वहां के सेना प्रमुख को आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, तब तक इस प्रकार की गतिविधियों को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। और मेरी मांग है इस जगह चीज की भारत सरकार को लेकर के और हम सबकी ये मांग है कि इस विषय में जब तक आप भारतीय सेना को आप इस प्रकार का छूट नहीं देते हैं कि वो ISI और पाकिस्तानी सेना के ऊपर कोई शिकंजा प्रॉपर ढंग से कसे, तब तक सिर्फ LOC पे बम्बारमेंट करने से और उसके बाद LOC क्रॉस करके जाने से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज रात में वो अपनी खिसियाहट को दूर करने के लिए LOC के ऊपर हैवी गन फायरिंग करेंगे, क्योंकि वहां की संसद के अंदर भी काफी उबाल आया हुआ है। तो उस चीज से बचने के लिए कुछ न कुछ रिटेलिएट करने की संभावना मुझे लगती है और हमारी सेना इसके लिए जवाब देने के लिए मुंहतोड़ तैयार है। पूरा बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, लेकिन और एक रणनीति के तहत पूरी तरीके से तैयार होने की जरूरत है। मुरादाबाद से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ऋतिक शर्मा जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैं समझ देशवासियों सरकार को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मोदी सरकार ने सराहनीय कदम उठाया है
जी सराहनीय कदम मोदी सरकार ने उठाया है और इस बात से हम मुकर नहीं सकते कि ये एक सबक है पाकिस्तान को और जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां हैं अलगाववाद की गतिविधियां हैं उसको एक सबक है करारा जवाब है मुंहतोड़ जवाब है। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के। खबरों का सारथी खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। खबरों का सारथी ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना ने जिस तरीके से 21 मिनट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी जो कैंप थे उसको नेस्त नाबूद कर दिया, उसके बाद एक खुशी की लहर और एक सराहनीय कदम के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं और इसी को लेकर दर्शकों की राय भी बेहद अहम हो जाती है। टीवी स्क्रीन पर नंबर भी फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। 14 फरवरी जगह पुलवामा, 40 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे आतंकवादी हमले में और उसके बाद से एक उबाल देखने को मिला देश में, एक गुस्सा देखने को मिला और कहीं न कहीं गुस्से का इजहार कई तरीके में निकलकर सामने आया। रोष लगातार देखा जा रहा था लेकिन जब कल रात यानी कि आज सुबह 3 बजे जब भारतीय वायुसेना ने हमला किया LOC पार कर, कहीं न कहीं 1000 किलो के बम धमाके किए, कैंप को उड़ा दिया गया, 200 से 300 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, इसके बाद एक खुशी का माहौल भी देखने को मिल रहा है और इसे ये कहा जा सकता है कि जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारतीय वायुसेना की तरफ से। इसको लेकर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। विकी दुबे जी आपके पास आएंगे, पाकिस्तान से अब कितना सजग रहने की जरूरत है? ब्रेक से वापस आ रहे हैं और लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जो कार्रवाई देखने को मिली आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, इससे पर गर्व भी महसूस हो रहा है और एक सराहनीय कदम के तौर पर देखा जा रहा है, उम्मीदें और बढ़ती नजर आ रही हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं, संगम लाल जी स्वागत है आपका कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। संगम जी अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए संपर्क टूट गया है। विशाल जी आपके पास आएंगे, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुलवामा हमले के बाद 40 जवान हमारे शहीद हुए इसके बाद से लगातार ये मांग उठ रही थी कि मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, अब इससे जोड़कर देख सकते हैं कि टिट फॉर टैट की विचारधारा के साथ ये कार्रवाई की गई है। देखिए यहां पर आज मैं कहना चाहूंगा बड़े अदब के साथ में कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का आज काफी मैंने यार उसका अपवाद देखा आज। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो जो आतंकवादी घटना भारत के अंदर की गई उसका रिएक्शन तो हुआ लेकिन ये अपोजिट भी था लेकिन इक्वल नहीं था। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम कारण उन्होंने हमारे 40 जवान मारे, उसके बदले में हमने उनके 200 से 300 अधिक वहां के आतंकवादियों को मार गिराया। मेरा अपना मानना है इस चीज का कि वहां के जो आतंकवादी जिनको कहा जाता है बेसिकली अपने घर से तो फैक्ट्री में बना के लाते नहीं, AK-47 F-56 बिल्कुल, उनको वहां की पूरी ISI और वहां की जो सेना है पूरा उनको हर प्रकार का सपोर्ट देती है, सामरिक हथियार सामरिक सपोर्ट करती है, उसको पैसे का सपोर्ट करती है, पॉलिटिकल सपोर्ट करती है। तो ये भारत की सेना का जो इंडियन एयरफोर्स का जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है
ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से पोलियो की दवाई यूज की जाती है ताकि पोलियो का वायरस शरीर के अंदर घुस करके बीमारी ना पैदा करे, बिल्कुल, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक बेसिकली हमको, मेरा अपना मानना है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ये समय समय पर पहले क्यों नहीं होते रहे। 40 जवान अगर नहीं मरते, हमारे पास यानी कि इंफॉर्मेशन तो थी कि वहां पर कैंप्स हैं, बिल्कुल, और ये भी सबको पता है कि एलओसी के पार इस प्रकार से पीओके में गतिविधियां चलती रहती हैं, तो ये आप समय आ चुका है कि कब तक हमारे देश के जो जवान हैं, हमारे सेना के जो अधिकारी हैं, मेरे देश के जवान और मेरे देश के सेना के अधिकारी शांति काल में मर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य का दृश्य विषय है। अगर वो युद्ध काल में मरे तो वो एक अलग चीज समझ में आती है कि हम वॉर में थे। हमारे देश के सेना का सैनिक, हमारे देश के सेना के अधिकारी अकारण मर रहे हैं, हमारे देश की जनता अकारण मर रही है बम ब्लास्ट में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विशाल जी, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। चेन्नई से एक दर्शक हमारे साथ ललिता जी जुड़ी हुई हैं, उनकी राय जान लेते हैं, बात सुन लेते हैं। ललिता जी अपनी बात रखिए। मैं मीडिया में पहली बार बात कर रही हूँ, एक एक 5 मिनट। हमारे 40 शहीद हुए है ना जी, उनको हमारे आम नागरिकों के तरफ से मेरा भक्तिपूर्वक प्रणाम है जी, बिल्कुल। बाद में मैं कर्नल जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जी। आज सुबह कार्यवाही किया है ना, वो राक्षस सभी मर गए, हम कैसे जान सकते, पहले ही वो शिफ्ट कर दिया होता तो कैसे जान सकते। कर्नल जी इस बात का जवाब जरूर देंगे। शुक्रिया ललिता जी कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए और सवाल करने के लिए जी। लेकिन उससे पहले विशाल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार के जो सैन्य अभियान है, क्योंकि हमारी संसद ने पारित किया हुआ कि अखंड भारत के अंतर्गत जो पीओके है बेसिकली वो भारत का ही अविभाज्य अभिन्न हिस्सा है, तो जब तक हम वहां की सेना को ब्लीड नहीं करेंगे, पाकिस्तानी सेना को, वहां के आईएसआई को ब्लीड नहीं करेंगे, जब तक वहां के प्रॉपर जो वहां की आर्मी है, क्योंकि सारी खुराफात के पीछे, इस आतंकवाद के पीछे वहां की सेना है पाकिस्तान की और वहां की आईएसआई है, तो जब तक हम उनको प्रॉपरली डैमेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम बम फाइनली गिरा कहां रहे हैं, हम गिरा रहे हैं उस जगह पर जो भारत का अभिन्न हिस्सा है। समझने की बात कोशिश करिए, मेरा आपके माध्यम से कहना है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बेसिकली भारत का अविभाज्य हिस्सा, भारत की संसद कई बार कह चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा चिंतन का विषय कि हम बम गिरा कहां रहे हैं, हम भारत के अंदर ही बम गिरा रहे हैं, तो हमें ये बम गिराने की अब रेंज बढ़ानी पड़ेगी इसका स्थायी समाधान करने के लिए, जब तक हम इस्लामाबाद को प्रॉपरली ढंग से रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये सवाल इस बात का है कि हमारी सेना के जवान, हमारे सेना के अधिकारी शांति काल में पिछले 15-20 साल से आज इस विभीषिका को झेल रहे हैं, अकारण हमारे सैनिक मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, हमारे नागरिक मर रहे हैं, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी भारत जो उसका मेंबर है और इंपॉर्टेंट घटक है, वो साफ साफ हमको पूरी आजादी देता है कि नॉन स्टेट एक्टर जब भी इस प्रकार की संप्रभुता को आपको चैलेंज करें तो भारत को पूरा अधिकार है कि वो सैन्य कार्रवाई करे, बिल्कुल। तो हम कब तक चीजों को अवॉइड करेंगे, कब तक अपने सैनिकों को हम जान से ऐसे धोना पड़ेगा अपनी जान सेहत को, तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ये जो आज कदम उठाया गया है इससे देश का मोराल बूस्टअप हुआ है, सेना का मोराल बूस्टअप हुआ है, बिल्कुल, और हमें इस तरह की प्रभावी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए, बिल्कुल अलर्ट रहने की जरूरत है, और साथ ही आईएसआई पर भी शिकंजा मुख्य तौर पर कसने की जरूरत है। बीएस राठौर जी आपके पास आएंगे, उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ पिंटू जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका कॉल करने के लिए। पिंटू जी अपनी बात रखिए। हम बहुत खुश हैं जी मैडम जी, और इतना बढ़िया मोदी जी ने काम किया है जी, और तीनों सेनाओं को मेरा सलाम है, और मैं पूरे पार्टी को, पूरे आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ जी, शुक्रिया चैनल से हम लोग जुड़ कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, इस कदम को सराहने के लिए जी। कर्नल बीएस राठौर जी आपके पास आएंगे। ललिता जी चेन्नई से हमारे साथ जुड़ी थी, वो उन्होंने सवाल किया था उसका भी जवाब चाहेंगे, और साथ ही मीडिया, आतंकवादी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है कि जो भारतीय वायुसेना है उसने घुसपैठ की, इसके बाद उसने हमला किया, हालांकि इस हमले में जो आतंकवादी है वो किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है, ये खबर मिल रही है आतंकवादी मीडिया के हवाले से, इस बात पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर जानना चाहेंगे। देखिए जो अपोजिशन में होता है वो उसका काम है कि झूठ मूठ प्रोपोगंडा करना, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना जो काम कर रही है वो सबको दिखता है जी, कोई झूठ का प्रचार नहीं है, उन्होंने जो काम किया है प्रॉपर काम करके वापस आ गए हैं बिना किसी नुकसान के।
जहाँ तक ललिता जी की सवाल है, तो आजकल इतने टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, हमारे जहाजों में कैमरे लगे होते हैं, वीडियो लगे होते हैं, सैटेलाइट लगी हुई है, जिससे हर चीज का पता लग जाता है कि क्या कोलेटरल डैमेज हुआ है। तो जहाँ हम बम गिराते हैं उसको हम कैप्चर कर लेते हैं सैटेलाइट के माध्यम से भी, और अपने वीडियो कैमरा के माध्यम से जो हमारा जो पायलट वो जहाज में जाता है वो भी उसको करता है, क्योंकि अपने देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसका सबूत मांगने लगते हैं। बिल्कुल। तो अभी तो भारतीय सेना और वायुसेना नेवी सभी अलर्ट हैं कि ऐसा कुछ भी करेंगे तो उसके प्रूफ भी लाएंगे ताकि यहाँ के लोगों के मुंह बंद हो सके। बिल्कुल, उनका भी विश्वास कहीं ना कहीं जीता जा सके। 21 मिनट में भारतीय वायुसेना की तरफ से 12 मिराज फाइटर ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया और 200 से 300 तक जो आतंकवादी हैं वो मारे गए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रोहित जी स्वागत है आपको कॉल करने के लिए। रोहन जी माफ कीजिएगा, जयपुर से जुड़े हुए हैं। रोहन जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, पहले तो मैं सबको बधाई देना चाहूंगा, आज जो हम लोगों ने इंडिया ने अटैक किया है उसके लिए सबको बधाई जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्ट्रेटेजिकली ये जो अटैक किया गया है वो इतना स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया है कि वी हैव नॉट टारगेटेड पाकिस्तान, हमने पाकिस्तान के आतंकियों के कैंप को किया है। तो कोई भी आप चाहे पाकिस्तान यूएन में चला जाए चाहे कहीं पे भी चला जाए, हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया है, हमने उनके आतंकी कैंप्स को। वो खुद अगर ये बोलेंगे कि पाकिस्तान हमारे आतंकी कैंप पाकिस्तान में है, उससे अगर वो करना चाहे तो ये तो उन्हीं की हार है, वो चाहे यूएन चले जाए चाहे कहीं पे भी चले जाए। तो ये बहुत ही बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजिकल विन मानूंगा मैं। बिल्कुल रोहन जी, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और आपने बिल्कुल जायज बात उठाई है, लेकिन इसे एक कदम, एक भारतीय वायुसेना या सरकार की तरफ से एक कदम के तौर पर, एक सराहनीय कदम के तौर पर, इसे एक शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन और कितना सख्ती और कितना जरूरत है अभी और ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसी कार्रवाई करने की, उसके लिए कितना तैयार है, कितनी तैयारी की जरूरत है, इन सब बातों को लेकर भी चर्चा करेंगे, जैसा कि विशाल जी ने भी इस पॉइंट को उठाया था। विके दुबे जी आपके पास आएंगे, क्या वाकई में आईएसआई, जैसे कि विशाल जी भी बात कर रहे थे, आईएसआई पर वाकई अभी शिकंजा कसने की जरूरत है, तभी हम आतंकवादी गतिविधियों को खत्म कर पाएंगे? हमारे देश में आईएसआई को खत्म करने की सख्त जरूरत है। मैं तो भारत सरकार को एक सलाह दूंगा कि आप इसी तरह का सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन या इससे बड़े पावर में बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रखते हुए एक ऐसी संस्था बनाइए जो आईएसआई के हर एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करे और तुरंत उसे रिटेलिएट करे, ताकि आईएसआई का एकदम नेस्तानमूद हो जाए। पाकिस्तान की जनता के लिए मेरी एक छोटी सी एडवाइजरी ये है कि विश्व के अंदर हमेशा जो है शांति बनाए रखने के लिए, जब हमने पाकिस्तान से MFN का दर्जा जो है वापस ले लिया था, तो वहां की जनता ने टमाटर के लिए चिल्लाना शुरू किया और बोलने लगी कि अब 200 रुपया किलो हो गया तो हम अब गोश्त खा लेंगे। मैं उस जनता से ये कहना चाहता हूं कि जब वो समझते हैं कि ये काम जो पाकिस्तान में आतंकवादी कर रहे हैं ये गलत है, तो क्यों ना सभी मिलकर के वहां की सरकार पर ये दबाव डालें, इस गलत काम को आप क्यों नहीं बंद करते जिससे हमारी शांति भंग हो रही है जी। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि वहां की जनता वहां के सरकार पर जो है दबाव डाले, ताकि ये आतंकवादी वहां से हमेशा के लिए ये खत्म हो जाए या कार्रवाई बिल्कुल बंद कर दे, तभी इस विश्व में और खास करके एशिया के देशों में शांति स्थापित हो सकती है। और हम जो कार्रवाई तब तक जारी रखेंगे जब तक कि ये इसका नेस्तानमूद नहीं हो जाता। बिल्कुल। जसवंत जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात पहले सुन लेते हैं, इसके बाद छोटी सी बात और रह गई। जी आते हैं आपके पास। बिल्कुल, पहले क्यों नहीं कर दिया? जसवंत जी अपनी बात रखिए। भगवान कृष्ण की एक बात मुझे याद है कि जब तक तुम जी जसवंत दुबे जी आपके पास वापस लौटेंगे, आपकी बात मैं बर्दाश्त करूंगा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जसवंत जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं पहले। जसवंत जी अपनी बात रखिए। पुलवामा अटैक हुआ मैडम, पुलवामा अटैक हुआ तब हम बहुत ही दुखी थे कि ये इतना बुरा काम हो गया, मगर जब हमारी भारतीय वायुसेना ने, हमारे प्रधानमंत्री जो एकदम लीडर है, उन्होंने जो आज स्टेप उठाया सुबह 3:30 बजे, इससे देश भर में एक खुशी का माहौल है और पाकिस्तान को ये सबक मिलना ही चाहिए था और आज मिल गया।
जी बिल्कुल, और एक उम्मीद भी अब नजर आ रही है आगे की दिशा में। शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी विके दुबे जी आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। आपने जो है ये सलाह दिया था कि आईएसआई को खत्म करने के लिए और उसके बराबर की संस्था बनने के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार के लिए मुझे ये अपील है सरकार से कि इस तरह के ऊपर जो है एक रिसर्च करना शुरू करें, और जिस तरह से हमने राह बना रखा है इसी तरह से एक दूसरी पैरेलल संस्था बना करके, उससे पावरफुल संस्था बना करके ऐसा प्रोग्राम बनाए, ऐसा उनको ट्रेनिंग दे कि आईएसआई जो भी अपनी एक्टिविटी करती है उसको काउंटर करके, नहीं हम उसको खत्म कर दे लेकिन दोबारा उसको पैदा होने के लिए सांस लेने की जगह ना दे। ये हमें बहुत सख्त जरूरत है, इसके ऊपर हमें बहुत पहले काम कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, लौट देर से आए लौट कर आए, बहुत अच्छी बात है। अब से जो है सरकार को काफी जागरूक रहना है। जी बिल्कुल, सरकार को जागरूक होने की जरूरत है, उसके अंदर ढिलाई नहीं होनी चाहिए, अगर ढिलाई कहीं हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जागरूक होने की जरूरत है, और अब लग रहा है कि देश के लोगों से जो हमारा मनोबल ऊपर बढ़ाने के लिए स्थान मिल रहा है, उस मनोबल से सरकार भी काफी जो है जागरूक हो गई है, सरकार का मनोबल बढ़ेगा और हम लोग इस दिशा में प्रयत्नशील रह करके सदैव काम करते रहेंगे। बिल्कुल राहुल, एक दर्शक जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कानपुर से दर्शक जुड़े हुए हैं। राहुल जी आपका स्वागत है कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। जी मैं मोदी जी के फैसले से बिल्कुल एकदम परफेक्ट हूँ, लेकिन एक बात बताइए, जब पाकिस्तान इस तरह की हरकत पहले से ही करता रहा है, ठीक है, और जब उन्हें हमें पता है, भारत देश को पता है कि उनकी तरफ आतंकवादी इस तरह से हरकतें करते रहते हैं, ठीक है, तो अगर हम पहले से स्ट्रिक होते तो ये हमारे 40 जवान शहीद ना होते। चलिए शुक्रिया राहुल अपनी बात रखने के लिए और कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विशाल जी आपके पास आएंगे। जो ये गतिविधि हुई भारतीय वायुसेना की तरफ से, भारतीय जो सरकार ने एक कदम उठाया, सरकार की तरफ से भी इसे कहा जा सकता है एक सराहनीय कदम तो माना जा रहा है, लेकिन अभी और कितना सजग रहने की जरूरत है, और इस हमले के बाद से, इस कार्रवाई के बाद से जो आतंकवाद है वो क्या कर सकता है, किस तरीके की कार्रवाई कर सकता है, और कितना अभी सतर्क रहने की जरूरत है भारत को। देखिए ऐसा कहा जाता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी भारत की सेना सक्षम है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पैरामिलिट्री और तमाम हमारे सैन्य संगठन है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ऐसी नौबत आने क्यों दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली फेल्ड स्टेट है, वहां की इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर चुकी है, वो पूरा सब कुछ घाटे में माइनस में चलने वाली इकोनॉमी है, उस देश की पूरी इकोनॉमी चलती है उधार पर, कर्जे पर। उनको ये देखिए कितनी शर्मिंदगी की विषय है, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे देखा जाए, देश की ऐसी स्थिति है कि वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां के जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के, वहां के प्रधानमंत्री लगातार टीवी में आकर ऐड देते हैं कि हर नागरिक जो भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है और दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी रहते हैं वो 10 रुपए चंदा दें। किस बात के लिए चंदा मांग रहे हैं भैया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चंदा रुपए इसका मांगते हैं कि वहां पे बांध बनाया जा सके। तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पड़ोसी देश एक ऐसा भिखारी देश है, ऐसा गरीब देश है, ऐसा कर्ज में डूबा हुआ देश है, जिसको शायद देश भी कहना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जो वहां पे बांध बनाने तक के लिए पैसे नहीं है, वो उसकी तक की फंड के लिए 10 रुपए हर व्यक्ति से मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पूरा देश कर्जे में डूबा हुआ हो, जहां की इकोनॉमी पूरी फेल हो चुकी हो, पॉलिटिकली बिल्कुल अस्थिर देश हो, जहां पे सेना का प्रभुत्व हो, लोकतांत्रिक मूल्य जो वहां के डेमोक्रेसी है पूरी खत्म हो चुकी हो, और सामंतवाद वहां पे कूट कूट के भरा हो, और सबसे बड़ी बात देखिए बलूचिस्तान को हम कैसे भूल सकते हैं, वहां पे क्वेटा की प्रॉब्लम कैसे भूल सकते हैं, सिंध की प्रॉब्लम की हम कैसे भूल सकते हैं, इन्हीं चीजों से दुखी होकर के बांग्लादेश जो बना, पूर्वी पाकिस्तान जो था, वहां मुक्ति बहाने की एक मूवमेंट चली उठा करके, आज वही अनेक टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार बैठा हुआ सिंध प्रांत, क्वेटा, बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सामंतवाद इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि वहां पे और अभी टुकड़े होंगे, और जब वो होंगे तो उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए वो पाकिस्तान सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में चलता है कि भारत और भारत और भारत, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, और कश्मीर का राग अलापता रहता है। तो भारत को सैन्य ताकत अपनी मजबूत करनी पड़ेगी, ये एक जमीनी सच्चाई है, अपने देश की जनता को, अपने देश की सेना के जवानों अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि इससे पहले वो डैमेज करे, 40 मारे, फिर हम जाके 200 उसको आतंकवादियों को मारे, तो हम पहले से ही एक्शन लेकर के उन 200 आतंकवादियों को, उन कैंप्स को पहले से ही क्यों नहीं तबाह करते हैं। इस पर एक कठोर तरीके से कार्रवाई की जरूरत है,
तभी हमारे देश के सैनिकों का जीवन सुरक्षित हो पाएगा और आम नागरिक का जीवन सुरक्षित हो पाएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सैन्य ताकत को भी बढ़ाने की जरूरत है और जिम्मेदारी को निभाते हुए इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि हम पहले से ही इतने तैयार रहें, इतने सक्षम रहें कि ये इस तरीके की आतंकी गतिविधियों से निपटा जा सके। एक दर्शक हमारे साथ गिरीश जी जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर स्वागत है आपका कॉल करने के लिए। गिरीश जी, अपनी बात रखिए। मैं देश के सभी नागरिकों को धन्यवाद देना, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस तरह की कार्यवाही की। और जो हमारी कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हैं, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत पुराना गाना गीत सुना होगा हमारी हिंदी फिल्मों का कि महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा, पर देख तेरे जाने से पहले पाकिस्तान का क्या हश्र होगा तो देख ले। तो जो महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि हम दूसरे देश का झंडा उठाएंगे, वो झंडे का डंडा ही हम काट देंगे, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। ऐसे गद्दारों को पहले इस देश से निकाला जाना चाहिए। मेरा संदेश माननीय प्रधानमंत्री से इतना ही है कि सबसे पहले इन देश के गद्दारों को, इन देश के दुश्मनों को इस देश से निकाला जाए। बिल्कुल, शुक्रिया कॉल करने के लिए और ये बात रखने के लिए। चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान को सबक तो है, लेकिन अभी और तैयार रहने की जरूरत है और मजबूत होने की जरूरत है, अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने की जरूरत है और कितना मजबूत करने की जरूरत है इस बात को लेकर चर्चा करेंगे। विमल जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी राय रखिए। जी विमल जी, टीवी को वॉल्यूम धीमा कर लीजिए, इसके बाद अपनी बात रखिए। हेलो जी, आपकी बात सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिए। हमारे भारत देश के पंत प्रधान को बधाई देती हूँ और उनको इतना बोलती हूँ कि आप सावध और दक्ष रहे और जो कौन ये शत्रु है आपने उनके लिए अपने देश से बाहर निकालो। बिल्कुल, बहुत दिन से आप ये सह रहे हैं हमारा भारत देश, आप उसको महाराष्ट्र से, हमारे तुलजापुर से बधाई दे सकते हैं हम पंतप्रधान को। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया कॉल करने के लिए और बात रखने के लिए। वाकई जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, उनके खिलाफ भारत को एक ये जिम्मेदारी के तहत और एक मजबूती के साथ कहीं ना कहीं फेस करने की जरूरत है और मजबूत होने की जरूरत है। कर्नल बीएस राठौर जी, आपके पास आएंगे। वाकई अगर देखा जाए पहले की अपेक्षा, वाकई हम सक्षम हो चुके हैं और पूरी तरीके से ताकतवर भी हो चुके हैं और लोहा ले सकते हैं आतंकवादी गतिविधियों से, आतंकवाद से, लेकिन कमी कहीं ना कहीं अभी भी नजर आ रही है। जो हम ये तो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि पूरी तरीके की छूट है, लेकिन बावजूद इसके हम कहीं ना कहीं उस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। कमी कहां पर अभी कितनी बाकी है? इसमें तीन चार चीजें इन्वॉल्व हैं जी। फर्स्ट प्रायोरिटी तो यह है कि अपने देश में ही तमाम गद्दार बैठे हुए हैं, जो बाहर से आने वाले, पाकिस्तान से आने वाले एक्सट्रीमिस्ट को पनाह देते हैं, उनको रखते हैं, उनको हथियार मुहैया कराते हैं, उनको गाड़ियां मुहैया कराते हैं, उनको आरडीएक्स मुहैया कराते हैं और अपने देश में ही अटैक करवाते हैं। बिल्कुल, तो सबसे पहले जो क्लीनअप ऑपरेशन चल रहा है वो चलते रहना चाहिए कश्मीर में, और कश्मीर के जो गद्दार नेता हैं, मैं फौजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो गद्दार नेता हैं इनको अरेस्ट करके जेलों में डालना चाहिए। फिर आर्मी और नेवी एयरफोर्स को जो फ्री हैंड दिया गया है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ताकि आर्मी नेवी एयरफोर्स अपने तरीके से जब भी जरूरत पड़े इसी तरह के स्ट्राइक कर सके। अगला चरण है कि हमें इंटरनेशनल लेवल में भी इस पाकिस्तान को इतना बेनकाब करना चाहिए कि उसके हर करतूत को, हर नापाक जो एक्शन है उसको पब्लिक के सामने, पूरे इंटरनेशनल के सामने उठाना चाहिए, उसको इतना जलील कर देना चाहिए ताकि वो अपने आप ये सब चीज करना बंद कर दे। तो सबसे पहले अपने इंटरनल चीजें अगर हमारी ठीक हो जाएंगी, हमारी राजनीतिक पार्टियां जो है वो खिलाफत में तैयार हो जाती हैं, देशद्रोह के तरह बात करती हैं और उनको पनाह देती है, सपोर्ट देती है कि वो और ऐसा काम करें। बिल्कुल, तो वो अगर भारत सरकार
इन कई चीजों पर, तीन चार चीजों पर अगर ध्यान देगी, वैसे दे ही रही है, तो ये हमारा जो कार्य है जिसको हमें इलिमिनेट करना है, इनको पाकिस्तान को परास्त करना है, एक्सट्रीमिस्ट को खत्म करना है, वो हमारा काम धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार से, मोहन जी स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मोहन जी अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो अपनी बात रख सकते हैं। चलिए मोहन जी तक हमारी आवाज शायद पहुंच नहीं पा रही है, संपर्क टूट गया है, लेकिन दर्शकों से यह भी अपील करेंगे कि इस मसले को लेकर अपनी राय या बात रखना साथ चाहते हैं तो वो बेशक रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके अपनी बात रख सकते हैं। और साथ ही दर्शकों से यह भी अपील है कि जब भी वो अपनी बात करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम जरूर धीमा कर लें। विशाल जी आपके पास आएंगे, अगर जैसा कि हमारे बीएस राठौर जी ने जो बात कही, इस बात से काफी हद तक हम इत्तेफाक रखते हैं क्योंकि पुलवामा जो हमला हुआ, 40 जवान हमारे शहीद हुए, उसके बाद से एक आक्रोश और देश प्रेम की एक भावना तो देखने को मिली और कहीं ना कहीं गुस्सा भी देखने को मिला। लेकिन जो बात अभी राठौर जी ने कही उस बात से काफी तक इत्तेफाक रखते हैं कि क्योंकि पुलवामा हमले में भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोताही बरती गई थी और इसी के वजह से ये हमला हुआ था। और ये भी कहा गया कि घर का भेदी जो लंका ढाए वाली कहावत है वो सार्थक काफी हद तक होती नजर आ रही थी उस हमले के बाद से। देखिए कर्नल साहब की बात से और मेजर साहब की बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ। ये एक बहुत बड़ा व्यापक एक प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, एक ऑपरेशन करने की जरूरत है। देखिए समझने की कोशिश करिए इस बात को जरा। मेरा बड़ा विनम्र आग्रह है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है भारत का, वो गुजरात से भी जाके टच करता है, पाकिस्तान से, राजस्थान से भी करता है, पंजाब से भी करता है। प्रॉब्लम कश्मीर में ही क्यों होती है? बिल्कुल यह तो चिंतन का विषय है। गुजरात भी बॉर्डर पे है, राजस्थान का भी बॉर्डर है, पंजाब का भी बॉर्डर है, लेकिन प्रॉब्लम का जो जड़ है वो कश्मीर की, उसका रीजन क्या है? धारा 370 आजकल 35A पे चल रहा है, आजकल बहस का विषय चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वहां पे जनसंख्या का अनुपात ही बिगड़ गया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये भारत की संप्रभुता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। भारत सरकार, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की सरकार की बात कर रहा हूँ। भारत सरकार को देखना चाहिए था और अभी वक्त रहते देखे कि वहां पे जब आप किसी जगह पे डेमोग्राफिक चेंज होता पूरा, वहां की जनसंख्या का अनुपात इस तरह बिगड़ जाता है। आज तमाम कश्मीरी विस्थापित कई सालों से अलग अलग जगहों पर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं अपने ही देश के अंदर। क्या उनका मानवाधिकार नहीं है? क्या उनका मौलिक अधिकार नहीं है जो भारत के संविधान ने दिया है? जब तक आप इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, ऐसे अलगाव, अब वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महोदया ने कह दिया कि हम तिरंगा छोड़ के कुछ और कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं, ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे आपने अभी तक क्यों नहीं भेजा? इनकी संपत्तियां सीज क्यों नहीं करी? अलगाववादी नेताओं को आपने आज तक Z+ सिक्योरिटी क्यों दे रखी थी? आप जब तक पॉलिसी क्लियर नहीं करेंगे, सेना अपनी जगह बिल्कुल करने के लिए, एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति पार्टी लाइन से हट करके देश की एकता और संप्रभुता को दिमाग में रखते हुए नहीं की जाएगी, लॉन्ग टाइम एक्शन नहीं लिए जाएंगे। अब आप देखिए इस बात को, भारत ने हमेशा ये कहा है कि हम अपनी प्रतिरक्षा के लिए परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बने हैं। बिल्कुल, और भारत दुनिया में जानता, पूरी दुनिया जानती है कि भारत में डेमोक्रेसी है। बिल्कुल, इसको डिस्क्राइब करिएगा। विशाल जी आपके पास आएंगे, एक दर्शक हैं, जरा उनकी बात सुन लेते हैं। ब्रजेश जी हैं मुरादाबाद से, ब्रजेश जी स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। ब्रजेश जी टीवी का वॉल्यूम धीमा कर दीजिए, इसके बाद अपनी बात रख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी बहुत अच्छा जी। ब्रजेश जी कहिए, सुन रहे हैं। मोदी जी हमारी तरफ से सबको, हमारी तरफ से सबको बधाई है मोदी जी के लिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है देश के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा कदम इसे माना जा रहा है। लेकिन और कितना सजग होने की जरूरत है और कितना तैयार होने की जरूरत है आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, ये भी एक चर्चा का विषय। शुक्रिया ब्रजेश जी अपनी बात रखने के लिए, कॉल करने के लिए। विशाल जी कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कीजिए। समय का कि भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाते हुए अपना जो परमाणु विस्फोट किया अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय, तो आप सबने एक चीज गौर की होगी, उसके कुछ घंटों बाद ही, कुछ समय के बाद ही परमाणु विस्फोट टेस्ट उसने भी किया, पाकिस्तान ने भी किया। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? इसका अर्थ निकाला जाए कि वो लगातार हर वक्त गुपचुप तरीके से अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ाने में
इन्वॉल्व है, और उसके साथ चाइना, अमेरिका, बाकी देशों की भी सामरिक शक्तियां लगती रही है, अतीत में हमको दिखाई हो चुका है। तो भारत के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प है, अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, अपने देश के जवानों, अपने देश की जनता को बचाने के लिए, कि एट एनी कॉस्ट आपको अपनी सेना को हर हालत में टाइम रहते मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना कितना अंदर उसके बंदरगाहों को यूज करने के लिए पहुंच चुका है, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण बातें विशाल जी आपने, और जो वाकई आत्ममंथन करने का विषय भी है, और इस ओर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की भी जरूरत है, और एक रणनीति तैयार करने की जरूरत है। फाइनल कमेंट वीके दुबे जी आपका लेना चाहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ सैन्य ताकत को और कितना मजबूत करने की जरूरत है, कम शब्दों में जानना चाहेंगे। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमेश जी देहरादून से स्वागत है आपको कॉल करने के लिए, अपनी बात रखिए। मैम प्रणाम, मोदी जी को बहुत ढेर सारी बधाएं, देश के सुपर हीरो हैं मोदी जी। साथ ही मेरी राजनीतिक नेताओं से ये प्रार्थना है कि कृपया राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो भी सौदे होते हैं या जो भी विषय होते हैं उस पे अनावश्यक नेतागिरी चमकाने के बारे में टीवी पे डिबेट भी ना करें और अनावश्यक वार्तालाप भी ना करें। बिल्कुल, शुक्रिया कॉल करने के लिए और महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए। जी आपका फाइनल कॉमेंट लेना चाहेंगे दुबे जी। मैं ये कहूंगा कि लोकतंत्र की जो परिभाषा होती है डेमोक्रेसी में, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। अगर यहां पर लोकतंत्र किस तरह से चलेगा, इसको चलाने के लिए हमें दुनिया के बाकी देशों से सीखना नहीं है, हमें खुद इसे लागू करना है कि कितना रिस्ट्रिक्शन हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमारे देश की जो सैन्य व्यवस्था है ये किस तरह से फ्लोरिश होगी और कैसे चलती रहेगी, तब भी हम इजराइल की तरह से दुनिया में हमेशा ऊपर बने रहेंगे। अगर हमने ऐसा करने में कोई ढिलाई की या जो ढिलाई होती रही है उसको जारी रहने दिया तो हमें बड़े संकट का सामना कर पड़ सकता है। अतः मुझे सरकार से ये अपील है कि हम इसको दोबारा डिफाइन करें, रीस्ट्रक्चर करें और जल्दी से जल्दी लागू करके इसको इस तरह से बनाएं ताकि हमें इस तरह की मुसीबत का सामना भविष्य में न करना पड़े। बिल्कुल तैयार रहने की जरूरत है। वाकई आप तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई इस कदम को एक सराहनीय कदम के तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए सैन्य ताकत को हमारी गवर्नमेंट को और मजबूत करने की जरूरत है और रीस्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है। वाकई ये अपने आप में एक सवाल भी है और इसमें आत्मचिंतन करने का भी विषय है। इसी साथ सुबह बोलेगा मैं आज फिलहाल इतना ही, आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।